तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज IFV फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। IFV की फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन हम लोग कैसे यूज करते हैं। ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये IFV कंपनी का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर आपको इनबिल्ट हीटर के साथ पावर स्टीम का भी फीचर मिलता है एंड ये टॉप मॉडल है अपने 8 kg सेगमेंट का। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इस वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करते हैं एंड कैसे एक अच्छे तरीके से हम इस वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग इन कपड़ों को इस ड्रम के अंदर हम लोग लोड करेंगे एंड कई कस्टमर्स एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग कितने कपड़े इसके अंदर डाल सकते हैं। देखो, कपड़ों का तो एग्जैक्ट कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं होता है, बट जितना भी वॉशिंग मशीन का ड्रम होता है आप कोशिश करें कि उसको 80% ही फिल करें, मतलब 75-80% आप उसको फिल करें, ज़्यादा उसको 100% फिल ना करें ताकि कपड़ों को मूवमेंट के लिए भी स्पेस मिल जाए एंड वॉशिंग का क्वालिटी आपको वहाँ पर बेटर देखने को मिले। तो इस तरीके से आप 1x1 इन कपड़ों को आप इसमें लोड कर सकते हैं एंड जो अंडरगारमेंट वगैरह होते हैं उसको आप इस तरीके के लॉन्ड्री मैश बैग में आप इसे रख के आप इसे वॉश कर सकते हैं ताकि उनके डैमेज होने के चांसेस ना रहें। देन उसके बाद ये इस वॉशिंग मशीन का डिटर्जेंट ट्रे है जिसके अंदर आप लिक्विड या पाउडर आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि हमेशा आपको लिक्विड यूज़ करना चाहिए। लिक्विड का क्वालिटी बेटर होता है और वॉशिंग के रिजल्ट्स आपको बेटर देखने को मिलते हैं एंड ये फैब्रिक सॉफ्टनर है, अगर कुछ कंफर्ट वगैरह वेनिस वगैरह आपने यूज़ करना है तो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। देन इस लेयर को आप इसे एज इट इज़ क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ लिक्विड ब्लीच यूज़ करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर आपको जगह दिया होता है, तो लिक्विड ब्लीच के लिए आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वॉशिंग मशीन का पावर ऑन करते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिनको वॉशिंग मशीन ऑपरेट करना नहीं आता, उनको नहीं पता कि कितने कपड़ों में उन्हें कौन सा प्रोग्राम लगाना है, कितना वाटर लेवल रखना है, तो इस वॉशिंग मशीन के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है स्मार्ट सेंस का। जैसे आप इस वॉशिंग मशीन को स्विच ऑन करते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने स्मार्ट सेंस वाले प्रोग्राम में शिफ्ट हो जाती है। तो जस्ट आपने पावर बटन दबा के आपने सीधा इसके स्टार्ट के बटन को स्टार्ट कर देना है। ये देखिए वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री का वेट चेक कर रही है कि कितना वेट आपने लॉन्ड्री का इसमें डाला है, उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर मशीन ने वाटर लेवल भी सेट कर लिया, वॉश रिंस और स्पिन, और यहाँ पर ये मशीन अब पानी लेना यहाँ से स्टार्ट कर रही है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते तो आप एक बटन से इस वॉशिंग मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वॉशिंग मशीन के कंट्रोल पैनल की। तो ये फ्रंट साइड पर सारा इसका कंट्रोल पैनल आपको मिलेगा जिसमें सेंटर पर इसका प्रोग्राम सेलेक्टर नॉब है जिसको आप क्लॉक एंड एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करा के आप प्रोग्रामिंग का सिलेक्शन कर सकते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर वॉशिंग मशीन ने कितना वाटर लेवल सेट किया है यहाँ पर आपको लाइट के थ्रू इंडिकेशन मिल जाएगा। जैसे इस एक्सप्रेस 30 के अंदर 5 वाटर लेवल पे वॉशिंग मशीन काम करेगी, सेम उसी तरीके से उस प्रोग्रामिंग के अंदर अपना कोई फर्दर मॉडिफिकेशन करनी है तो यहाँ पर आप वॉश एंड सोक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रिंस के टाइप को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और कितनी बार रिंस करना है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पिन के भी ऑप्शन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर डिले वॉश मतलब शेड्यूल टाइम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, टेम्परेचर ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, तो ये सारा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे अपने इस आगे वीडियो में। तो फर्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें मिक्स और डेली का। तो जितने भी आपके डेली वेयर या मिक्स लोड वाले जो कपड़े होते हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर आप वॉश कर सकते हैं जिनके अंदर आपको बेटर क्लीनिंग का रिजल्ट चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, इस प्रोग्राम के अंदर आपको डेलिकेट कपड़े वॉश नहीं करने हैं। तो यहाँ पर वाटर लेवल आप मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट मशीन अपने आप पिक करती है लॉन्ड्री के वेट के हिसाब से, बट आप फिर भी चाहें तो इसमें आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। सेम वॉशिंग के टाइमिंग को आप इंक्रीज़ करना चाहें तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से वॉशिंग का टाइम आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये 20 मिनट्स का हमने इसका वॉशिंग का टाइम कर दिया तो टोटल टाइम हो गया 1 घंटा 1 मिनट का। इसी के साथ आप इसमें दोबारा वॉश के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर सोकिंग भी ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सोकिंग का भी टाइम इसमें ऐड हो गया है। इस तरह से आप इसमें फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। रिंस के भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आपने रिंस का साइकिल बढ़ाना है, 2 बार रिंस करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 3 बार रिंस कर सकते हैं। देन स्प्रे रिंस का भी ऑप्शन आता है। स्प्रे रिंस के अंदर क्या होता है, जब ये वॉशिंग मशीन रिंस करेगी तो वहाँ पर कंटिन्यूसली ये वाटर को इनटेक करती रहेगी। मतलब नॉर्मल रिंस साइकिल में क्या होता है, पहले वॉशिंग मशीन पानी भरेगी उसके बाद देन उनको रिंस करेगी, बट इस स्प्रे रिंस के अंदर क्या होता है, वॉशिंग मशीन रिंस भी करती रहेगी और साथ साथ पानी भी लेती रहेगी जिसके थ्रू आपको रिंसिंग के रिजल्ट्स और ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा वाटर कंजम्पशन इस वाले मोड पे मशीन ज़्यादा करेगी।
देन ये आपको स्पिन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, स्पिन के टाइमिंग को भी यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको कितना टाइम तक वॉशिंग मशीन को स्पिन कराना है। देन इसी स्पिन के बटन से आप इसमें एक्वा सेव के भी ऑप्शन को जा सकते हैं। एक्वा सेव के अंदर वॉशिंग मशीन स्पिन नहीं करेगी तो रिंसिंग के बाद वॉशिंग मशीन वाटर के साथ होल्ड हो जाएगी, मतलब मशीन पानी ड्रेन आउट नहीं करेगी। तो आप चाहो तो उसी पानी को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं और कपड़ों को रिंस करने के लिए। तो यहाँ पर ये काम करता है एक्वा सेव वाले ऑप्शन के अंदर। इसी के साथ डिले वॉश आप सेट कर सकते हो, यहाँ पर आप टाइमिंग लगा सकते हैं 1 घंटे का 2 घंटे का कि कितनी देर बाद आपका वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाए, तो अपने हिसाब से आप वॉशिंग मशीन को शेड्यूल कर सकते हैं। एंड इसी डिले वॉश के बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टब क्लीन का प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर टब क्लीन का प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया, तो मतलब महीने में एक बार आपने इसके टब क्लीन को रन करना होता है इस प्रोग्राम को, और 6 से 8 महीने में आपने डी स्केलर की हेल्प से आपने इसके टब क्लीन के प्रोग्राम को रन करना होता है। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस कंप्लीट वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड वैसे तो ये वॉशिंग मशीन जब 40 साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो टब क्लीन का यहाँ पर आपको रिमाइंडर फंक्शन देखने को मिलेगा। तो 40 बार जब ये मशीन चल जाएगी तो मशीन आपको रिमाइंड करेगी कि आपको टब क्लीन करना है, अदरवाइज आप इसे मैनुअली महीने में एक बार भी आप इसे कर सकते हैं। सेम इस तरीके से आप इसमें मिक्स वाले प्रोग्राम के अंदर आप इसमें टेम्परेचर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप 40 डिग्री टेम्परेचर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वॉशिंग मशीन 40 डिग्री पानी गर्म करेगी देन आपके कपड़ों को वॉश करेगी। इसी के साथ आप इसमें 60 डिग्री को भी टेम्परेचर को ऐड कर सकते हैं तो और ज़्यादा गर्म पानी करेगी, जिससे वॉशिंग के रिजल्ट्स आपको और ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आप इसमें स्टीम के भी साइकिल को ऐड कर सकते हैं। तो इस वॉशिंग मशीन के अंदर टोटल आपको ये 4 प्रोग्राम्स मिलते हैं, मिक्स, डेली, बेबी वियर, जीन्स और एंटी एलर्जन। इन 4 प्रोग्राम के अंदर आप वॉशिंग मशीन के अंदर स्टीम के साइकिल को ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू वॉशिंग मशीन स्टीम जनरेट करती है, तो वहाँ पर आपको आपके कपड़ों के अंदर और ज़्यादा हाइजीनिक रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से किल हो जाते हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इस टेम्परेचर के बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये एयर ड्राई मोड एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर। तो वॉशिंग मशीन जब कपड़ों को आपको सेमी ड्राई करेगी, जिसे हम लोग ड्राई कहते हैं बेसिकली, तो फुल ड्राई नहीं होता, वो सेमी ड्राई होता है, तो मशीन क्या है बाहर से भी हवा लेगी तो हवा के थ्रू उसको एयर ड्राई करेगी। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है इसके टेम्परेचर वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करने से। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें स्मार्ट सेंस का, ये बेसिकली एक सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है। तो वॉशिंग मशीन के अंदर जो सेंसर्स, जो माइक्रोचिप्स लगी होती है, उसके थ्रू ये प्रोग्राम काम करता है। तो जो भी आप लॉन्ड्री इसमें डालेंगे वो उसके वेट को चेक करके ऑटोमेटिकली वाटर लेवल एडजस्ट करेगा, वॉश टाइम, रिंस टाइम, स्पिनिंग टाइम, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करके देगा ये स्मार्ट सेंस वाले मोड के अंदर। तो इस मोड के थ्रू इस वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करना, इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें एक्सपेक्स 30 डिग्री का, ये क्विक वॉश वाला प्रोग्राम है। इसके अंदर आपने ज़्यादा कपड़ों को ऐड नहीं करना है, इस प्रोग्राम का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2 kg का है। तो 4 से 5 या 5 से 6 कपड़े आपने इसमें डालने हैं, और वो कपड़े डालने हैं जो ज़्यादा गंदे नहीं हैं। अगर ज़्यादा गंदे कपड़े आप इसमें डालेंगे तो प्रॉपर वॉशिंग नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको कोई और प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये कम गंदे और कम क्वांटिटी में जो कपड़े होते हैं उनके लिए बेसिकली प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप 2 kg का लोड आप इसमें वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें ब्लैंकेट्स का। तो जितने भी आपके ब्लैंकेट्स, कर्टेंस, ये जो बल्की वाले जो कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को आप इस प्रोग्राम के अंदर वॉश कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर जो वॉशिंग मशीन के पल्सेटर के अंदर जो उसका मूवमेंट मिलेगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, ताकि उन कपड़ों के अंदर अच्छे तरीके से आपको क्लीनिंग देखने को मिले। एंड इसके अंदर भी आप टेम्परेचर को भी मैनुअली यहाँ से ऐड कर सकते हैं, फर्दर मॉडिफिकेशन आप सारा इस प्रोग्राम के अंदर भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें बेबी वेयर का। तो जितने भी आपके बेबीज़ के कपड़े हैं या आपके स्मॉल जो किड्स हैं उनके कपड़े हैं, आप इस प्रोग्राम के अंदर उनको वॉश कर सकते हैं, क्योंकि उनके कपड़े थोड़ा सा डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर जो मूवमेंट होता है कपड़ों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो डेलिकेट कपड़े आप इसमें ईजिली वॉश कर सकते हैं। एंड बाई डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर जो इसका 40 डिग्री जो रहता है सेट रहता है, इसको आप चाहो तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, स्टीम भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बाई डिफ़ॉल्ट 40 डिग्री पे काम करता है। तो प्रॉपर क्लीनिंग के रिजल्ट्स आपको अपने बेबीज़ के कपड़ों में इस प्रोग्राम के अंदर देखने को मिल जाती है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें जीन्स का। तो जितने भी आपके जीन्स हो गया या डेनिम हो गया, उन कपड़ों को आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर वॉश कर सकते हैं। एंड जीन्स और डेनिम को वॉश करने का सबसे बेस्ट तरीका है, उनको आप फोल्ड करके उल्टा कर दें, मतलब जो साइड बाहर है आप उसको उल्टा करके आप उसे अंदर कर दें, ताकि आपके कपड़े डैमेज भी ना हो और प्रॉपर क्लीनिंग भी आपको इस प्रोग्राम के अंदर देखने को मिले। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें एंटी एलर्जन का।
ये प्रोग्राम रिकमेंडेड है उन कस्टमर्स के लिए जिनका सेंसिटिव स्किन होता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर रिंसिंग के जो इफेक्ट हैं और ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। तो कोई भी डिटर्जेंट का रेसिड्यू आपके कपड़ों में ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, ताकि कभी कोई ईचिंग वगैरह का इशू आपको देखने को ना मिले। तो ये इस प्रोग्राम के अंदर आपको और ज़्यादा हाइजीनिक रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको इसमें मिलता है स्टेन फाइटर का। तो जैसे बहुत ज़्यादा स्टेन्स हमारे कपड़ों के ऊपर लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हमारे कपड़ों पर लगे होते हैं, उनके लिए आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हो। इस प्रोग्राम के अंदर आपको जो वॉशिंग के रिजल्ट्स हैं और ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इसमें डेलिकेट का। तो जितने भी आपके सॉफ्ट एंड डेलिकेट क्लॉथ्स हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर आप इसे वॉश कर सकते हैं। एंड इस प्रोग्राम के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री ऐड नहीं करना, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में आपने इसमें लॉन्ड्री ऐड करना है। तो जो लोडिंग कैपेसिटी इस प्रोग्राम का है वो मैक्सिमम 2 kg का है। तो 4 से 5 कपड़े या 5 से 6 कपड़े आप इस प्रोग्राम के अंदर वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इसमें माई साइकिल का। इस प्रोग्राम के अंदर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी सेटिंग को। अगर आप हमेशा एक ही तरीके के कपड़े वॉश करते हैं और आप चाहते हैं कि उन कपड़ों को वॉश करने के लिए मैं हमेशा सेम सेटिंग वाला प्रोग्राम यूज़ करूं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो माई साइकिल के अंदर आप वाटर लेवल सेट कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसमें 10 वाटर लेवल सेट कर लेता हूं। वॉशिंग के टाइम को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूं। यहां पर मैं यहां पर 20 वॉश का टाइम डाल देता हूं। रिंस स्प्रे रिंस मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, स्पिन मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। टेम्परेचर यहाँ पर मैं 40 डिग्री दे देता हूँ और इस मशीन को यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली इस तरह से मशीन काम करती है। तो इसको अगर मैं दोबारा से ऑफ़ करता हूँ एंड दोबारा अगेन अगर इस वॉशिंग मशीन को मैं स्टार्ट करता हूँ और दोबारा मैं जाता हूँ माई साइकिल वाले प्रोग्राम में, तो जो सेटिंग मैंने लास्ट प्रोग्राम में सेव की थी वो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो सेटिंग आ चुका है। 10 वाटर लेवल भी आ गया है, वॉश का टाइम भी वही आ गया है, स्प्रे रिंस भी आ गया है, स्पिन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 40 डिग्री टेम्परेचर। तो इससे बेसिकली ये हेल्प होता है कि मुझे बार बार कस्टमाइज़ नहीं करनी उन सेटिंग्स को। एक बार मैंने सेटिंग करके छोड़ दी तो घर में कोई और फैमिली मेम्बर भी अगर इस वॉशिंग मशीन को ऑपरेट कर रहा है तो एटलीस्ट आप उनको बता सकते हो कि आप माई साइकिल वाले प्रोग्राम को रन कीजिए, उसके अंदर आपने जो बेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स है वो ऑलरेडी फीड की हुई है।